नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आज का जो SSC-CGL टायर 1 4 जून फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। ओके, तो पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का पैटर्न कैसा था, किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा गया, पूरा हम लोग डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, और कुछ लोगों से मेरा अनुरोध है, जो भी वीडियो देखें तो प्लीज़ जिनका भी पेपर आज था वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को जरूर बताएं, क्योंकि मैं अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पेपर का जो लेवल था गाइस वो मॉडरेट लेवल का था। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा इजी भी था और कुछ लोग कह रहे हैं कि लेंथी भी था। तो टोटल जो पेपर का लेवल अगर कह सकते हैं तो वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। ओके, अब देखिए इंग्लिश में दोस्तों, देखिए वोकैब जो पूछा गया था वो कुछ छात्रों से मुझे पता चला है कि वो इजी पूछा गया था, और पैसेज आया था जो पैसेज वो भी इजी आया था। एंटोनिम्स और सिनोनिम से दोस्तों 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे, एंटोनिम्स और सिनोनिम से। अब गाइस देखिए रीजनिंग से, रीजनिंग में दोस्तों पजल से क्वेश्चन थे, जो कि दोस्तों पजल का क्वेश्चन जो था वो ज्योमेट्रिकल था, मतलब ज्यामिति पजल का था। ओके, एक दोस्तों मैथ का क्वेश्चन ये वाला है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस वाइस एक्स प्लस 111 इक्वल टू 0, तो हमें मान बताना है एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 1/ एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों इसका मैं सलूशन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों देखिए इंग्लिश से जो क्लोज टेस्ट आया था वो एनवायरमेंट पर था, क्लोज टेस्ट जो पूछा गया था वो पर्यावरण पर आया था। ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे। और रीजनिंग से दोस्तों देखिए ब्लड रिलेशन से प्रश्न आए थे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा सीजीएल हो किसी भी एग्जाम में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। अगला है ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी प्रश्न दोस्तों पूछे गए थे। और अगला जो टॉपिक आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजन का टॉपिक है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें मैथ से तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे दोस्तों जो प्रश्न आए थे वो भी सिंपल लेवल के पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन से, 4 क्वेश्चन आए थे, और चारों क्वेश्चन तो थे बट वो थोड़े से लेंदी तो नहीं कह सकते, बट सिंपल मॉडरेट लेवल के थे। अगला है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब अगला टॉपिक जो हमारा मैथ का आता है टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन आया था। ट्रिग्नोमेट्री से भी प्रश्न आया था, जो मैं आगे चल के आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन थे, कौन है गोवा के CM कौन है, और GST से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एक दोस्तों सैन्य अभ्यास पर आया था, जो कि था भारत व इंडोनेशिया सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था रजत पदक से, तो रजत पदक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर से काफ़ी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर से। अब मैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो आज पूछा गया था, 2 क्वेश्चन है मेरे पास, इसके सलूशन मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है 2 sin² θ माइनस 5 cos θ इजकल टू 0, तो sin θ प्लस 10θ की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसका सलूशन मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगले वीडियो में। अगला दोस्तों क्वेश्चन है sin θ इजकल टू p² - 1/p² + 1, तो cos θ की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों और भी क्वेश्चन बताएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन क्वेश्चन को बताइएगा, क्योंकि मैं आपको जल्दी पहली शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैथ्स रीजनिंग GK करंट अफेयर जितना भी बनेगा दोस्तों, मैं आपको सारा का सारा प्रोवाइड कराऊंगा, यहाँ तक कि इंग्लिश के भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो उनका सलूशन सही मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन बताइएगा और उनका मैं सलूशन जल्दी प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके, तो दोस्तों ये था पेपर का एनालिसिस, तो जितने मुझे क्वेश्चन मिले मैंने आपको बता दिए, अगले वीडियो में मैं आपको सलूशन के साथ सारे वीडियो क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।